और दोस्तों आज पहुंच के मनसा माता देवी के दरबार में, ये आप देख रहे होंगे सामने माता का मंदिर है और साथ में हमारी श्रीमती जी हैं और ये पुजारी हैं और वो सामने माता जी की मूर्ति है और साइड में भैरव जी हैं। दोस्तों बहुत अच्छा मंदिर है दोस्तों, बहुत पुराना मंदिर। और दोस्तों ये हमारी कुल देवी है, माता देवी माता के नाम से प्रसिद्ध है और ये बहुत पुरानी माता है, इसको मनसा माता भी बोलते हैं दोस्तों। और ये आप वीडियो में देख रहे होंगे, हम इनसे माता से आशीर्वाद ले रहे हैं दोस्तों। उसके तुरंत बाद मंदिर के पीछे जो 500 साल पुराना पीपल का पेड़ है, वहाँ हर इंसान जो माता के मंदिर में जाता है तो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए एक नाल जरूर लपेट के आता है। ये आप देख रहे होंगे कितनी नाल पीपल के पेड़ में लपेटी हुई है दोस्तों। तो हम भी हमारी श्रीमती जी के साथ यहाँ अपनी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए नाल लपेट रहे हैं दोस्तों। यह आप वीडियो में देख रहे होंगे, हम और हमारी श्रीमती पीपल की नाल लपेट रहे हैं। उसके बाद हमने माता का आशीर्वाद लिया दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे। तो हम पहुंच चुके हैं देवी के, देवी माता मनसा माता के नाम से प्रसिद्ध है। और ये मेरे बड़े भाई साहब, ये मेरी माता श्री और ये भाई का लड़का, ये तेजी को आप जानते होंगे। और देवी के दरबार में हम बैठे हैं और इंजॉय कर रहे हैं माता के दरबार में। उधर से नैना भी आ गई, देखो आप नैना राम, नैना तो आज बहुत बढ़िया लग रही है, देखो कितनी सुंदर लग रही है, सबसे सुंदर नैना लग रही है। और इसका नाम भी नैना है, ये भी देवी के रूप में नैना देवी आपने सुना होगा, तो ये भी नैना देवी बोलती है। क्या हाल चाल है दोस्तों, और आज बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है क्योंकि हम कहीं व्यस्त थे इसलिए हमें टाइम नहीं मिला और आज टाइम मिला है तो हम आज आपको वीडियो बना रहे हैं। तो आप सब बढ़िया होंगे और साथ में चांदनी तेजू नैना हाय हाय और पीछे है उसकी मम्मा, दिख रही है आपको दोस्तों। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आज हम कहीं घूमने जा रहे हैं विद फैमिली और आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों साथ में है चांदनी, चांदनी की दादी अम्मा, चांदनी का भाई नैना भी है और ये सब जा रहे हैं, तैयारी हो रही है इनको जाने की। नैना कहाँ जा रहे हो आप? घूमने जा रही है ना, घूमने घूमने जा रही है। साथ में तेजू भी है, ये देखो आप। और यहाँ सेल्फी खींची जा रही है, देखो सेल्फी स्टैंड बना दिया है घर को, ये देखिए आप, ये देखिए तेजू खींचेगी अब अपनी दादी अम्मा के साथ फोटो, सेल्फी ले रही है। साथ में आ गई चांदनी उसका भाई, ये देखिए देख रहे हो। और ये छोटा नटखट भी घूम रहा है यहाँ, ये देखो चांदनी ने इसको गोदी में ले लिया। और गाड़ी आ चुकी है बाहर, अब चल रहे हैं दोस्तों। दोस्तों पहुंच चुके हैं माता के दरबार में, आप देख रहे होंगे सामने माता का दरबार है, साथ में चांदनी उसकी दादी अम्मा उसके ताऊ जी और बुआ भी है, ये देखिए आप पीछे का, देख रहे हो आप दोस्तों। ओम हे ही क्ली चामुंडाय विच्छे, जय माता मनसा देवी। ये देखिए आप, ये शेर है दोस्तों, ये शेर है। और ये उसके बाद दोस्तों हम मंदिर के अंदर घुसे, तो मंदिर में घुसने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ कितना अच्छा सुंदर मंदिर है। हमारी श्रीमती जी खड़ी हैं माता का सामान लेके और चांदनी है और ये सामने माता आपको दिख रही होंगी दोस्तों, पंडित जी बैठे हुए हैं और चांदनी तेजू उसकी मम्मा उसकी माँ उसका भाई उसका ताऊ और साथ में हम विद फैमिली हम मंदिर में पहुँचे हैं। देवी माता का मंदिर है ये, मनसा देवी माना
और इस मंदिर की खासियत यह है दोस्तों कि आप जब भी संकट में हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप मनसा माता देवी मंदिर में आके अपनी प्रॉब्लम का हल ढूंढ सकते हो। ये माता का सच्चा दरबार है, बहुत पुराना दरबार है दोस्तों। आप विद फैमिली यहाँ आ सकते हो और माता के दरबार में आप अपनी जो भी संकट है उसको बता के पंडित जी को वहाँ पूजा हवन करा सकते हो और उस संकट से आप निवारण पा सकते हो दोस्तों। दोस्तों ये आप देख रहे होंगे माता मनसा देवी का दरबार लगा हुआ है और विद फैमिली हम इस दरबार में मौजूद हैं। तेजू है, चांदनी है, नैना है, उसकी मम्मा है, उसके ताऊ जी हैं, उसके भाई हैं और हम भी बैठे हैं और साथ में भुआ जी और हमारी मम्मी भी बैठी है और पंडित जी जो अपनी पूजा में लगे हुए हैं और जो हमारे लिए पूजा कर रहे हैं। हमने यहाँ कुछ पूजा करवाई थी विशेष तौर पर और आप देख रहे होंगे हम विद फैमिली यहाँ बैठे हैं। सामने भैरव जी भी हैं और माता मनसा देवी का दरबार है दोस्तों। ये आपको दरबार दिख रहा होगा सामने और पंडित जी बैठे हुए हैं और सब ने नाल बंधवाई, हमने माता से आशीर्वाद लिया, धूप खाई, ये आप देख रहे होंगे वीडियो में और चांदनी को भी देख रहे हैं, चांदनी भी हाथ जोड़ के बैठी है दोस्तों। और पूजा पाठ का प्रोग्राम चालू है और मंत्र संतर बोले जा रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे ये जो जोत जल रही है, इसमें हमने जो हमारे साथ घी लेके आए थे वो हमने इस जोत में डाला और ये सामने देखिए आप माता की और भैरू जी की फ़ोटो है और माता की आरती सामने पूरी लिखी हुई है और ये पंडित जी अपनी पूजा कर रहे हैं। ये सामने माता का दरबार है, कितनी सुंदर माता है देखिए, और बहुत प्राचीन माता है, बहुत ही देवी माता है। ये नौ जो देवी आती हैं उनमें से एक है ये मनसा देवी, देमी के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये बहरोड तहसील में पड़ती है और यहाँ हर भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए ज़रूर आता है और उनकी हर मनोकामना इस माता के दरबार में ज़रूर पूरी होती है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों पूरा दरबार लगा हुआ है और माता का मंदिर है, सामने भैरू जी हैं और मनसा देवी है और विद फैमिली हम यहाँ पूजा करवा रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे ये सामने देखिए माता के कितने साफ दर्शन हो रहे हैं देखिए आप, और आप भी हाथ जोड़िए, कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें दोस्तों। ये फैमिली चैनल है इसलिए इसका नाम VP शर्मा फैमिली व्लॉग है, तो आप चैनल को सपोर्ट करें और हम आपको ऐसी अच्छी वीडियो देते रहेंगे। ये देखिए नैना भी हेलो बोल रही है, तेजू भी हेलो बोल रही है, चांदनी भी हेलो बोल रही है दोस्तों। हम विद फैमिली यहाँ आए थे दोस्तों और ये भैरोड की जो राजस्थान में अलवर ज़िले में पड़ती है भैरोड तहसील, उसमें पड़ता है ये मनसा देवी देमी माता का पुराना प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों। उसके बाद हमने माता से आशीर्वाद लिया, आप वीडियो में देख रहे होंगे, हमने माता की धूप खाई, आशीर्वाद लिया और अपनी जो भी इच्छा थी वो मनोकामना पूरा करने के लिए हमने माता से कामना की, अपने दर्शकों के लिए भी कामना की। उसके बाद हमने मंदिर की परिक्रमा स्टार्ट की दोस्तों, या वीडियो में देख रहे होंगे हम और हमारी श्रीमती जी मंदिर की परिक्रमा करते हुए और सामने ये 500 साल पुराना तो पीपल का पेड़ है, इसमें हम गए क्योंकि हमारी पिछले वीडियो में आप देख सकते हो जो मैं पिछली बार आया था तो उसमें भी हमने, या आप देख रहे होंगे वीडियो में, ये वही पीपल का पेड़ है 500 साल पुराना। और देखो चांदनी भी साथ है, उसकी मम्मा है, तेजू नैना है और विद फैमिली हम यहाँ पहुँचे थे और अब ये वो पीपल का पेड़ है जहाँ हमें परिक्रमा लगानी है दोस्तों। तो आप वीडियो में बने रहें, हम और हमारी श्रीमती जी तैयार हैं और नैना भी भग रही है साथ में, देखिए आप वीडियो में, इसमें नाल लपेटी जाती है, यहाँ हर भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। देखिए आप पीपल के पेड़ में कितनी नाल लगाई गई है, इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ कितने भक्त आते हैं दिन भर में। ये दोस्तों ये आप देख रहे होंगे और हम परिक्रमा स्टार्ट कर चुके हैं और ये आप देख रहे होंगे, ये देखिए कितना बड़ा पुराना, बहुत पुराना पीपल का पेड़ है दोस्तों। और ये हम परिक्रमा लगा रहे हैं, हम और हमारी श्रीमती जी दोनों,
और यहाँ आप एक परिक्रमा, तीन परिक्रमा, पांच परिक्रमा या सात परिक्रमा लगा सकते हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी इच्छा हो। तो हम परिक्रमा स्टार्ट कर चुके थे दोस्तों, ये आप देख रहे हो। परिक्रमा ख़त्म होने के बाद हमने पीपल देव से आशीर्वाद लिया, ये आप वीडियो में देख रहे होंगे, धोख खाई हमने। उसके बाद हम वहाँ से बाहर निकले और ये मंदिर का पीछे का हिस्सा है, यहाँ से हमने माता से आशीर्वाद लिया और इनसे की धोख खाई दोस्तों। उसके बाद हम आगे बढ़े और नैना और उसके ताऊ पीछे पीछे आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे वीडियो में, और ये आप देख रहे हैं हमको दोस्तों। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन की घंटी को दबा लें दोस्तों, ऐसी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी दोस्तों। उसके बाद ये माता का भभूति कुंड है, यहाँ से सब भभूति ले जाते हैं, और हर नेगेटिव ऊर्जा से बचाने के लिए भभूति बहुत ही उपयोगी है। और ये हमने भभूति उठाई, चांदनी, तेजू, नैना सबके हमने तिलक लगाया, और ये थोड़ी बहुत भभूति हम घर के लिए भी ले कर निकले हैं दोस्तों। ये देख रहे होंगे आप वीडियो में, बने रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें दोस्तों। उसके बाद हम बाहर की तरफ निकले दोस्तों, ये देख रहे होंगे आप बाहर का गेट है माता मनसा देवी का। और दोस्तों ये बाहर का पीपल का वृक्ष है, यहाँ पर भी लोग नाल बांध के अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मन्नत मांगते हैं। हम पहुँच चुके हैं देवी के, देवी माता मनसा माता के नाम से भी प्रसिद्ध है, और ये मेरे बड़े भाई साहब, ये मेरी माता श्री, और ये भाई का लड़का, ये तेजू को आप जानते होंगे। और देवी के दरबार में हम बैठे हैं और इंजॉय कर रहे हैं माता के दरबार में। उधर से नैना भी आ गई, देखो आप नैना तो आज बहुत बढ़िया लग रही है, देखो कितनी कितनी सुंदर लग रही है, सबसे सुंदर नैना लग रही है। और इसका नाम भी नैना है, ये भी देवी के रूप में नैना देवी, आपने सुना होगा, तो ये भी नैना देवी बोलती है आपके जो देवी है। ये देखो आप यहाँ के नज़ारे देखो, मंदिर के नज़ारे। और हमारी श्रीमती जी अपनी बुआ के साथ आ चुकी हैं, कहीं गई थी घूमने। तो दोस्तों इसी के साथ हम ये वीडियो का समापन करते हैं, अब हम जा रहे हैं घर के लिए, निकल रहे हैं, विद फैमिली मैं हूँ। तो आप बताने वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाएं। ठीक है दोस्तों, अब हम जा रहे हैं अपने घर पे।